प्रॉपर्टीज की अगर बात करी जाए तो सबसे पहली प्रॉपर्टी याद है, फंक्शन के अंदर वेरिएबल एक्स का होता है टी का सेम होता है, एक ही बात है, याद है? अच्छा, और दूसरी प्रॉपर्टी ये थी वो घुमाने पर माइनस बार आ जाता है, चेंज बदलता रहता है। सेकंड है कि अगर भाई ए से बी के बीच में जा रहे हैं तो ए से बी के बीच में कोई भी एक पॉइंट सी ले सकते हैं जब चाहें तब, याद आया? सी इसके अंदर भी हो सकता है और बार भी, कहीं पे भी हो सकता है। अच्छा, अगला जो है अब इसके जरा क्वेश्चन वगैरह देख लें, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करें, है ना? क्वेश्चन के अंदर अगर जैसे जीरो से तीन तक जा रहे हैं तो फंक्शन अपने आप में पहले जीरो से दो और दो से तीन जाना चाह रहा है, तो आप भी अपनी तरफ से जब भी इसको करेंगे तो जीरो से लेकर दो तक जाएंगे और फिर दो से लेकर के तीन तक जाएंगे। जीरो से दो तक कौन सा फंक्शन काम करेगा? एक्स स्क्वायर। अगले वाले में 3x - 4.dx, क्या कहते हो आप? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी? जीरो से लेकर दो तक, यहां पर 3 × x²/2 - 4x, और लिमिट कहां से कहां तक? दो से तीन तक। वैल्यू तो निकाली लोगे, सही है ना भाई? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। हाँ जी साहब, अगले क्वेश्चन में आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है उसको कहां से कहां तक जाना है? दो से लेकर पांच तक, याद है ना? जब तक dx से x की वैल्यूज है, x की वैल्यू दो से पांच तक है, दो से पांच तक में तीन से छोटे में अलग फंक्शन है, तीन से बड़े में अलग फंक्शन है, तो अपन जैसे इसमें जाएंगे कैसे जाएंगे? दो से तीन, तीन से पांच, ऐसा दो से तीन के दौरान x+3, और अगले वाले में, अगले वाले के अंदर कौन सा फंक्शन? 3x² + 1.dx कर लेंगे। इसका दो जाएगा x²/2, इसमें कितना? 3x, और लिमिट कहां से कहां तक? दो से तीन तक, इस पे 3 × x³/3, है ना, और प्लस में x, लिमिट तीन से पांच तक, आगे तो हो जाएगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, है ना? तो अपने को ये याद आ गया इंट्रोडक्टरी वे में कि कैसे था। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है ये तो वही आ गया सेम, है ना? अब ये क्वेश्चन में आ जाओ, याद है मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, ग्रेटेस्ट, ये प्रॉपर्टी 3 जो है ना, इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन में, फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन में, मॉड के क्वेश्चन में, डिफाइंड फंक्शन में। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, डिफाइंड फंक्शन कौन सा वाला होता है? डिफाइंड फंक्शन ये वाला, ये डिफाइंड फंक्शन है दोनों, ठीक है ना? तो जब भी ऐसा फंक्शन आएगा वैसे भी प्रॉपर्टी 3 का यूज करना बनता है, ठीक है ना? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर होने पे हमको हर हाल में किसका यूज करना है? प्रॉपर्टी 3 का। सबसे पहला मौका उसी को देना है, तो अगर अपन इसको सबसे पहला मौका देंगे तो अपने को बताइए 1 से लेकर 2 तक, ये एक्स है, तो एक्स अपना कहां से कहां तक है? एक्स अपना 1 से 2 तक है, ये सबको पता है, तो एक्स पर आपका कहां से कहां तक होगा? 1 से 4 तक। तो 1 से 4 तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर हर इंटीजर पे ब्रेक चाहेगा, तो वो चाहेगा कि आप 1 से 4 तक जाते समय पर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाओ, सही है? तो वो x को बोलेगा, क्यों? क्योंकि लिमिट किसकी है? x की। तो जो x की लिमिट होगी ना वो कैसे चलेगी? वो x की लिमिट ऐसे चलेगी साहब, 1 से लेकर के √2, और √2 से लेकर √3, और √3 से लेकर के 2 तक। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब आपकी लिमिट जो है वो ऐसे जानी चाहिए, मतलब ये कि जब आप 1 से 2 तक जाओगे तो आप ऐसे जाओगे 1 से लेकर √2, अगले वाले में कहां से कहां तक? √2 से लेकर √3, अगले वाले में कहां से कहां तक? √3 से लेकर के 2 तक, सोच लिया? अच्छा, अंदर इसके भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर है, तो कोई और फंक्शन है ही नहीं, मैंने दोनों के साथ एक साथ केस उठा लूंगा मैं, समझ में आया? अब मैं यहां से बात करता हूं, एक्स कहां से कहां तक है? 1 से √2। एक्स जब 1 से √2, तो एक्स स्क्वायर को फील आ रही है 102 वाली, 102 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो ये एक्स की बार 1 हो गया, प्लस याद है अभी अभी आपने बताया कि एक्स स्क्वायर को फील आ रही है 102 के बीच के नंबर की, 102 के बीच के नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो ये 1 की बार एक्स हो गया, नहीं है? अब अगले वाले में चलते हैं, एक्स कहां से कहां तक फील कर रहा है? √2 से √3। जब एक्स √2 से √3 कर रहा है तो एक्स स्क्वायर को फील आ रही है 2 से 3 के बीच के नंबर की, 2 से 3 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये एक्स की पावर 2 दिख रहा है, और ये 2 की पावर एक्स दिख रहा है, ठीक है? तो ये प्लस में कितना? 2 की पावर एक्स। अब आप में से कोई अंक अंधा भी बता देगा ये एक्स का क्यूब प्लस में 3 की पावर x.dx हो गया, राइट है? तो मतलब ये कि इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल इतना हुआ, अब एक्स का मतलब हो जाएगा, एक्स का मतलब हो जाएगा x²/2, और 1 की पावर x का 1 टू द पावर x, 1 टू द पावर x, ए 1 ही होता है, 1 टू द पावर x 1 होता है, नहीं? तो 1 का x लिमिट लगा दूं कहां से कहां तक? 1 से √2 तक, तो ये तो आप कर ही लोगे। इसका बताइए x³/3, इसका इंटीग्रेशन 2 टू द पावर x / लिमिट कहां से कहां तक? √2 से √3। अगले वाले में जाओ, x³/4/4, और 3 की पावर x का 3 की पावर x / ln 3, लिमिट कहां से कहां तक? √2 से √3 से 2 तक, आगे तो कर सकते हैं, है ना? लिमिट विमिट पुट करना तो हो ही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट हमारी अगली प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, याद होगा इवन ऑड बेस प्रॉपर्टी, इवन ऑड बेस प्रॉपर्टी -a to s की पहचान है। वो सभी क्वेश्चन जिनमें -a से हो, -1 से 1 हो, -2 से 2 हो, -√2 से √2 हो, -π/2 से π/2 हो, -π/π हो, उनमें हर हालत में हम लोग फंक्शन का इवन और ऑड नेचर चेक करते हैं, इवन और ऑड नेचर चेक करते हैं, और अगर भाई फंक्शन ऑड होता है तो आंसर 0 होता है, अगर फंक्शन अपने आप में इवन होता है तो हम लोग आंसर करते हैं नीचे 0 आगे 2,
बाकी सब सेम, याद है ना भाई। अच्छा और अगर भाई तो फंक्शन अपने आप में नैनो हो जाए, याद है नैनो हो जाए, तो यहां जीरो से लेकर के ए तक एक बार फंक्शन और एक बार फंक्शन में माइनस एक्स, याद आ गया। बस ऐसा करते हैं, कैसे पता चलता है फंक्शन नैनो हो जाए, ये भी मैंने आपको सिखाया था। वो तमाम फंक्शन जिनमें वन प्लस ए की पावर एक्स की फोटो आ जाए या वन प्लस साइन एक्स आ जाए, वो सभी के सभी क्वेश्चन जब भी उठेंगे तो हमेशा प्रॉपर्टी इवन ऑड वाली लगेगी, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ता हूं, ठीक है। हाँ भाई कॉस एक्स इवन फंक्शन, हाँ ना, इवन होते ही नीचे जीरो आगे दो और बाकी सब सेम, तो पाई बाई टू सेम, कॉस एक्स सेम। सोच लो आप कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, इंटीग्रेशन में जीरो से लेके कहां तक, पाई बाई टू, तो आंसर हो गया टू। एक क्वेश्चन हो गया, है ना, छोटू सा। इस तरह के क्वेश्चन भी दे सकते हैं मेंस वाला अगर आप पे मेहरबान हो जाए तो, ठीक है। वैसे देगा नहीं, इतना भी मेहरबान नहीं होगा। अब यहां देखो साहब, ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड है, लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स फंक्शन के दौरान सीखा हुआ है, ठीक है। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं एक्स की जगह माइनस एक्स डाल करके, तो कैसा फंक्शन है, ऑड। और कॉस एक्स इवन, इवन इनटू ऑड माने पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव बोले तो नेगेटिव और नेगेटिव बोले तो ऑड, तो ये कैसा फंक्शन है, ऑड, और ऑड होते हैं आंसर जीरो, सही है। अगले क्वेश्चन में बता रही है, अगले क्वेश्चन में देखिए साहब, ये क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको, मैंने आपको बताया था वो तमाम क्वेश्चन जिनमें वन प्लस ए की पावर एक्स हो नैनो होते हैं, याद आ गया आपको। और मैंने नैनो फंक्शन के लिए आपको तोड़ सिखाया था जीरो से लेकर ए तक, इसका ए वन है। एक बार फंक्शन लिखो e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस e की पावर x, और दूसरी बार फंक्शन में माइनस एक्स रख के रखो, तो जैसे मैं फंक्शन में माइनस एक्स लिखूंगा तो e की पावर माइनस एक्स या e की पावर x अपॉन में नीचे वन प्लस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, सोचना। अब मेरे पास एक ही चॉइस है कि मैं लिमिट कटूं, है ना, मतलब लिमिट काटूं, मतलब इसको सॉल्व कर लूं। अगर देखा जाए तो ये आपके लिए e की पावर माइनस एक्स है, मेरे लिए वन अपॉन e की पावर x है, हाँ या ना। एलसीएम ले चुका, एलसीएम कितना आएगा, यहाँ यहाँ एलसीएम बोलो, e की पावर x, e की पावर x होते ही एलसीएम यहाँ कितना हो जाएगा, e की पावर x अपॉन e की पावर x, वो ऊपर जा चुका है, सोच लिया आपने। अब देखो इसके पास भी e की पावर x प्लस वन, इसके पास भी e की पावर x प्लस वन, वाई नॉट आई एम टेकिंग अ कॉमन, वन अपॉन में वन प्लस e की पावर x कॉमन ले लिया साहब, उधर से छूटा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और इधर छूटा है e की पावर x गुणा में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, सोचो आप सही है क्या भाई। अच्छा आप बोलो तो मैं फिर से e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x कॉमन ले लूं, तो यहां से कॉमन आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन में नीचे कितना, वन प्लस e की पावर x इनटू में कितना, यहां से छूटेगा वन और यहां से छूटेगा e की पावर x, सोच लिया। और लिमिट आपके जीरो से वन तक यही चलेगी, इससे ही कट जाएगा, क्या e की पावर x का इंटीग्रेशन याद है, अगले वाले का e की पावर माइनस x, लिमिट आपकी जीरो से वन तक लगा लोगे, सही है। एक और क्वेश्चन डन, अगले पे बढ़िए, सही है ना भाई। हाँ भाई अगला, अगला है ए से लेके बी तक, ओहो किंग प्रॉपर्टी, याद आया, जब भी ए से बी तक कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन ना हो तो हमारे को चॉइस मिलती है कि हम लोग प्रॉपर्टी फोर लगाएं या किंग प्रॉपर्टी लगाएं। किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं हमारे को एक्स की जगह रखने की इजाजत है, ए प्लस बी माइनस एक्स, और रखने के बाद दोबारा इंटीग्रेशन कीजिए, शायद क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया था इसकी प्रॉपर्टी में होती तो प्रॉपर्टी है, लेकिन इसकी ऑक्सिलरी बहुत फेमस है, इसकी ऑक्सिलरी में ए से बी की जगह जीरो से ए होता है, तो आपको इजाजत होती है एक्स की जगह ए माइनस एक्स लिखने की, सही है ना, किंग प्रॉपर्टी। अच्छा पहचान क्या है, मैंने आपको ये भी सिखाया था, जैसे हमको ये पता है माइनस ए से देखेंगे देखते इवन ऑड करना है, माइनस ए से देखते क्या करना है, इवन ऑड करना है। लेकिन अगर बाय द वे किंग प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाए तो कोई पहचान नहीं है, इवन हमको करना क्या है, जब भी कोई क्वेश्चन में कहीं भी गाड़ी अड़े, कहीं पर भी गाड़ी अड़े, किंग ठोको, खट से नहीं किंग लगा दो, कुछ मत सोचो किंग लगाते जाओ, ठीक है। वैसे भी लेकिन आप में से कईयों को ध्यान होगा इसके चार तरह के सेट हैं, फटाफट से एक बार जरा सेट है वापस डिस्कस कर लेता हूं। अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर जीरो से लेकर पाई बाई टू तक साइन एक्स की पावर एन अपॉन में साइन एक्स की पावर एन प्लस में कॉस एक्स की पावर एन दिख जाए तो आपको कितना लिखना है, पाई बाई फोर, याद आ गया। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर जीरो से लेकर के पाई बाई टू तक अगर कॉस एक्स की पावर एन अपॉन में कॉस एक्स की पावर एन प्लस में साइन एक्स की पावर एन दिख जाए तो आपको क्या करना है, पाई बाई फोर करना है। क्या आपको ये बात समझ में आती है, जीरो से पाई बाई टू तक अगर यही डी एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स की पावर एन भी दिख जाए तब भी आपको पाई बाई फोर लिखना है, याद आ गया। यह तो पहला सेट है रिजल्ट्स का जो आपको याद रखना है, दूसरा सेट और भी है। सेकंड सेट हमारे को क्या कहता है, सेकंड सेट कहता है कि इंटीग्रेशन में जीरो से लेकर के पाई बाई टू तक अगर कभी भी एल एन साइन एक्स डॉट डी एक्स दिख जाए, एल एन साइन एक्स नहीं था, एल एन टेन एक्स लॉग टेन एक्स, याद आ गया, तो आंसर जीरो होगा। उसी प्रकार से एक और चीज सिखाई थी मैंने, कहा था जीरो से लेकर पाई बाई फोर तक एल एन ब्रैकेट के अंदर वन प्लस टेन एक्स डॉट डी एक्स दिख जाए तो आंसर होता है माइनस का पाई बाई एट एल एन टू, श्योर है, याद आ गया आपको। इसी तरह से एक तीसरा सेट ऑफ रिजल्ट भी था, तीसरा सेट ऑफ रिजल्ट हमारे को क्या कहता था कि फंक्शन में कभी भी
ए से लेके बी तक फंक्शन, फंक्शन के नीचे वही फंक्शन और उसी फंक्शन के अंदर इन दोनों का सम माइनस एक्स दिख जाए तो आंसर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई टू होती है। क्या बोला मैंने? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई टू होती है। एक चौथा सेट भी था आपको याद हो तो, चौथा सेट था रिमूवल ऑफ एक्स, याद आया? रिमूवल ऑफ एक्स, दुनिया में जब जब भी रिमूवल ऑफ एक्स गाया जाएगा किंग का नाम पुकारा जाएगा, याद रखना रिमूवल ऑफ एक्स में कुछ नहीं करना। जब भी एक्स को रिमूव करो, जब भी एक्स को रिमूव करो प्लीज चेक कि फंक्शन में ए प्लस बी माइनस एक्स रखने पे वापस फंक्शन आना चाहिए। अगर शर्त पूरी हो जाए तो आप एक्स की जगह पर अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइड बाई टू रख सकते हो, याद आया आपको? हक तुरंत काम बनेगा, ठीक है? तो ये चार छोटी छोटी चीजों को देखते हैं, बात करते हैं। अब जरा वापस याद दिलाता हूं, मैंने आपको ये बात कहा साइन एक्स की बार है प्लस में कॉस एक्स की बार है, दिख रहा है आपको? अगर मान लीजिए मेरे को इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि सबसे पहले कुछ ना सूझे तो प्रॉपर्टी किंग वाली लगाओ, माने प्रॉपर्टी फोर लगाओ। अगर प्रॉपर्टी फोर लगाते हैं तो आपको बताया कि आपको एक्स की जगह पर पाई बाई टू माइनस एक्स लिखना है। पाई बाई टू माइनस एक्स लिखते ही आपको पता है ये जीरो से लेकर के क्या बन जाएगा, पाई बाई टू साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन, सही है ना भाई? और फिर आपके पास में एक ही चॉइस बच जाएगी कि आप इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करते ही टू आई बराबर में, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो ऊपर की चीजें सिर्फ ऐड होंगी, सही है ना भाई? और जैसे ही ऊपर की चीजें ऐड होंगी तो अपने को पता है साइन एक्स बार एन प्लस कॉस एक्स बार एन एक दूसरे को काट देगा, काटते ही क्या रह जाएगा डीएक्स, डीएक्स का कितना हो जाएगा एक्स, एक्स का लिमिट लगती है पाई बाई टू, लेकिन टू आई बराबर पाई बाई टू माने आई बराबर। अपन ये काम खूब किए हैं, मनमान किए हैं। आपको मैं याद दिला दूं एन इंटीजर नहीं है, एन कुछ भी हो सकता है, वन बाई थ्री भी हो सकता है, याद आ गया, रूट टू भी हो सकता है, किसी भी वैल्यू पे जा सकता है, एक बात। दूसरी बात ये कि अब मैं आपको दूसरी तरीके से दिखाता हूं इसी क्वेश्चन को, याद दिला रहा हूं बस। जीरो से लेकर पाई बाई टू तक साइन एक्स की बार एन अपॉन में नीचे दे रखा है साइन एक्स की बार एन प्लस में कॉस एक्स की बार एन, याद आ गया? याद दिलाता हूं कहां था फंक्शन, फंक्शन के नीचे वही फंक्शन और उसी फंक्शन में माने साइन में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माने पाई बाई टू माइनस एक्स रख दो, तो जैसे आप साइन में पाई बाई टू माइनस एक्स रखोगे क्या बन जाएगा कॉस, तो आपको इजाजत है कि आप इसके आंसर में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई टू कर सकते हो और वो आपका आंसर होगा। ये मैंने आपको यहां सिखाया, हाँ यार मैंने आपके सामने यूज करके दिखा दिया। अब जरा क्वेश्चन में आते हैं, क्या आपको फंक्शन दिख रहा है, उसी के नीचे वही फंक्शन दिख रहा है और उसी फंक्शन के अंदर जैसे किसी ने 2 की बार साइन x की जगह पे पाई बाई टू माइनस एक्स कर दिया हो, अपर प्लस लोअर माइनस x कर दिया हो तो 2 की बार cos x बन जाएगा। तो अगर बाय द वे फंक्शन, फंक्शन के नीचे फंक्शन और उसी फंक्शन में अपर प्लस लोअर लिमिट माइनस x हो जाए तो आंसर अपर माइनस लोअर डिवाइड बाई टू बोले तो पाई बाई फोर होता है। क्या मैंने सीखा चुका हूँ? तो आंसर इसका कितना हो गया पाई बाई फोर। चले आगे, चलिए फटाफट आगे बढ़ने का टाइम, याद है ना? रिवाइज करना मतलब रिवाइज करना होता है, मजे लेना नहीं होता लाइफ के, ठीक है? आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। हाँ साहब, एक्चुअल में प्रॉपर्टी सिक्स याद है, प्रॉपर्टी सिक्स लिमिट आधी करने वाली प्रॉपर्टी, लिमिट हाफ करने वाली प्रॉपर्टी। जब भी लिमिट हाफ करनी होती है तो बेसिकली अपने ये एज ए क्वेश्चन अपन लोग कर चुके हैं, ये हमने एज ए क्वेश्चन करा था। कैसे करा था एक बार याद दिलाता हूँ। आप जीरो से लेकर ए तक, भाई आपको पहले क्वेश्चन में चलो जीरो से लेकर टू ए तक फंक्शन दे रखा है, दे रखा है। आप इसे क्या जीरो से लेकर ए तक, फिर ए से लेकर के टू ए तक लिख सकते हो। यहाँ पे भी फंक्शन लिख रहा हूँ और यहाँ पे भी फंक्शन लिख रहा हूँ, लिख दूँ, सही है? अब मैं जानबूझ करके फंक्शन में एक्स की जगह पर कुछ ऐसा कुछ करूंगा जिससे यहाँ के फंक्शन को मैं इसमें चेंज कर डालूँ, ठीक है? जैसे मैंने एक्स की जगह टू ए माइनस टी ले लिया, क्या ले लिया टू ए माइनस टी, तो मुझे पता है डी एक्स की जगह पर कितना हो जाएगा माइनस डी टी। अब लिमिट में चलो, एक्स के नाम पर लिमिट क्या क्या है, ए और टू ए, सोच लिया? अगर मैं एक्स की जगह ए रखता हूँ, एक्स की जगह ए रखता हूँ तो टी बराबर टू ए माइनस ए, ए रह जाएगा। अगर मैं एक्स की जगह टू ए रखता हूँ तो टी बराबर जीरो हो जाएगा, सोच लिया? तो इसका मतलब मेरे लिए नई लिमिट जहाँ ए है वहां तो ए ही है और जहाँ टू ए है वहां जीरो हो गया और फंक्शन में मेरे पास क्या जगह हो गई टू ए माइनस टी, सोचो हुआ? और डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी लगाने का मौका है तो माइनस डी टी लगा दूं। आगे वाले को तो मैं टच ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं तो मस्त रहे, सही है? अच्छा अब आपको याद हो तो मैं इसको घुमाऊंगा, प्रॉपर्टी टू लगेगी, राइट है? और दूसरी बात प्रॉपर्टी वन लगाऊंगा ताकि टी की जगह एक्स पधार जाए, तो जैसे ऐसा करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा घुमाने पर, जीरो से ए हो चुका होगा, फंक्शन में टू ए माइनस एक्स दिखेगा, सोच लिया आपने? और ये जीरो से लेकर के ए तक एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स हो चुका होगा, पर आप देखिए ये अपना आर एच एस आ गया, आया कि नहीं आया?
अब जिस दिन भी फंक्शन ने ये कह दिया कि मैं F2A minus X है, FX है, F2A minus X क्या है? FX है, अगर ये FX बन गया तो ये भी FX हो जाएगा, तो 0 से लेके A तक FX plus DX, 0 से लेके FX plus DX 2 times हो चुका होगा, सही है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर, इसे आम जनों के संवाद में क्या बोलते थे आपको याद हो तो, अगर फंक्शन में अपर लिमिट माइनस एक्स रखने पर फंक्शन सेम बना रहे तो लिमिट आधी कर दो और दो को नीचे उतार लो, अगर फंक्शन में अपर लिमिट माइनस एक्स रखने पर फंक्शन के चेहरे पर नेगेटिविटी दिख जाए तो आंसर जीरो दे दो, याद आ गया। अच्छा, अब अपर लिमिट माइनस एक्स की बात करते हैं साहब, है ना, अगला पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। हाँ भाई, ये हुआ ना मस्त क्वेश्चन, क्या आपको प्रॉपर्टी 6 में एक क्वेश्चन कराया हुआ का रिजल्ट याद है? 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक ln sin x डॉट dx या फिर 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक ln cos x डॉट dx की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 ln 2 होती है, याद आ गया आपको? हाँ या ना, ये मैंने कहा तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने एक तो ये सिखाया, सही है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 0 से पाई बाई 2 तक sin x नहीं चाहिए cos x चाहिए, या फिर मुझे 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक ln cos x की जगह sec x चाहिए, तो आप जानते हैं log sec x माइनस ln cos x होता है, log sec x माइनस ln cos x होता है, याद आ गया आपको? तो मेरा आंसर जो होगा वो इसका माइनस ना होगा प्लस बन जाएगा, तो दैट इज पाई बाई 2 ln 2 हो जाएगा, क्या ये बात याद आ गई? अब जरा क्वेश्चन में एंटर हो जाओ, इसने कहा 2, मैंने कहा बाहर आ जाओ, 0 से पाई बाई 2 ln sin x बन गया, बन गया माइनस। अब आते हैं 0 से कहां तक, पाई बाई 2 तक, log sin 2x है, log sin 2x का मतलब log में 2 इंटू sin x इंटू cos x, ऐसा कर दूं? सही है। अब आपको बताओ log a इंटू b इंटू c का मतलब होता है log abc, तो 0 से पाई बाई 2 log 2 dx अलग, माइनस 0 से पाई बाई 2 log sin x डॉट dx अलग, सोच लिया, माइनस में कितना, 0 से पाई बाई 2 log cos x डॉट dx अलग, क्या कहते हो, कर दूं? और बाहर कौन बैठा हुआ है, 2 टाइम्स 0 से लेके कहां तक, पाई बाई 2 तक ln sin x डॉट dx, ऐसा कर दूं? क्या आपको नहीं लगता कि ये 2 टाइम्स में से ये वाला घट गया, फाइनली क्या रह गया, एक ही बार रह गया, 0 से पाई बाई 2 ln sin x डॉट dx रह गया। अच्छा, माइनस में ये log 2 का क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो ये ln 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में क्या रह गया, 0 से पाई बाई 2 dx, राइट है, तब तक ये इधर से बच गया 0 से पाई बाई 2 ln cos x डॉट dx, आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस पाई बाई 2 log 2, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस पाई बाई 2 ln 2, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट जाएगा आपस में एक दूसरे को, दोनों की वैल्यू समान है, एक प्लस में है और एक माइनस में, कट गया तो ये वाला रह गया, तो यहां से देखा था ln 2 और तब तक ये कितना x और 0 से पाई बाई 2, तो फाइनली अपना आंसर कितना हो गया, माइनस का पाई बाई 2 ln 2, दो सब क्वेश्चन हो गया, क्या ये बात समझ में आई? इस बहाने से अपन पुरानी चीजें याद कर रहे हैं, बस फटाफट रिवाइज करते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने का टाइम, अगला रिमूवल ऑफ x, याद आया? सबसे पहले x का रिमूवल प्रॉपर्टी 4, किंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 4 के अकॉर्डिंग मैंने आपको सिखाया था कि आप x की जगह क्या लिख सकते हो, अपर प्लस लोअर माइनस x, अपर प्लस लोअर, ठीक है, पाई प्लस 0 डिवाइड बाई 2 लिख दूं, तो अपने लिए क्वेश्चन हो गया 0 से लेके कहां तक, पाई तक, dx डिवाइड बाई नीचे कितना 1 प्लस cos स्क्वायर x। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो पाई बाई 2 तो बना सो बना, आपको याद है cos की डिग्री 2 है, sin और cos की डिग्री 2 हो तो डिवाइड बाई cos स्क्वायर x करो, याद आ गया, cos स्क्वायर x से डिवाइड करते ऊपर की तरफ कितना बन जाएगा, sec स्क्वायर x डॉट dx बन गया, नीचे की तरफ कितना बन जाएगा, 1 प्लस sec स्क्वायर x, 1 प्लस sec स्क्वायर x कुछ होता है क्या, sec स्क्वायर x और tan स्क्वायर x में बदल सकते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, आपको sec स्क्वायर x को tan स्क्वायर x में, sec स्क्वायर x को tan स्क्वायर x में, 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x सही है, आप बोलो तो 1 और 1 तो रूट 2 का स्क्वायर कर दूं, अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, याद है आपको, मैं tan x को t मानने वाला हूं, इसका मतलब sec स्क्वायर x डॉट dx की जगह पे क्या लगेगा, dt लगेगा। अच्छा जल्दी से बताओ, लिमिट अपनी 0 से कहां है, पाई, अगर लिमिट 0 से पाई है तो ये x की वैल्यूज हैं, तो x की वैल्यू 0 और पाई है, तो x की जगह 0 रखो इस रिलेशन में, tan 0 0, पाई रखो tan पाई 0, ओ तेरी की, tan x तो मान ही नहीं सकते, अब क्या करोगे, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी विचार करो, दोनों तरफ 0 आ गया, आंसर 0 लगा दूं क्या, आंसर ही 0 लगा दूं, अच्छा इसका कारण तो बता दो, अगर आप tan x को t मानते हैं ना, तो tan x जो है 0 से पाई के बीच में, पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूस है, तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा,
जीरो से पाई बाय टू माइनस और पाई बाय टू से आगे चलो, नहीं है समझ में, पाई बाय टू का अपन नहीं गाड़ी तोड़ दो, तो याद बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये कि अब आपने तुरंत प्रभाव से अपना चरण बदल लिया, अब आप केंद्र की तरफ चल पड़े, जीरो से पाई बाय टू, श्योर है? और यहाँ कितना लिख लिया, आपने गलती नहीं करी है, बस आपने एक साथ लिमिट उठानी गलती करी है जो अभी दिख गई, तो रूट टू का स्क्वायर प्लस में टेन एक्स का होल स्क्वायर, सही है? और अगली बार कितना लिखोगे, पाई बाय टू से लेकर के पाई तक, यहाँ पे कितना सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स अपॉन में नीचे कितना रूट टू का होल स्क्वायर प्लस में टेन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, सोच लिया? अब एक काम करते हैं, वापस से इसको उठाते हैं, क्या चल रहा था अपने दिमाग में कि हम टेन एक्स को टी मानेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, सोच लिया? अच्छा आपको पता है x के नाम पर लिमिट 0 और पाई बाय 2 आने वाली है, तो t रखने पर 0 और पाई बाय 2 रखने पर इनफिनिट हो जाएगी, तो नई लिमिट जो हमारे लिए बनेगी दैट विल बी पाई बाय 2 ब्रैकेट में दौड़ो 0 से लेकर के इनफिनिट, सो लिया? sec स्क्वायर x की जगह dt अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, सही है? प्लस इधर की तरफ दौड़ते हैं, याद है आपको, यहाँ पे लिमिट क्या चलेगी, पाई बाय 2 अगर मैं रखता हूं तो इनफिनिट नीचे हो जाएगा और ऊपर 0, सही है? और अब की बार कितना बनेगा साहब, डी टी डिवाइड बाई रूट टू का स्क्वायर प्लस में टी का स्क्वायर, यही तो होगा? क्या आपको नहीं लगता कि जो इसका आंसर आएगा वो उसका आंसर आने वाला है? अरे हाँ या ना, अरे आएगा या नहीं आएगा, सो लिया? क्या मैं पलट कर काट दूं? बिल्कुल काट सकते हैं साहब, आंसर 0 ही है इसका, डोंट वरी, है ना? तो इसका आंसर अपनी तरह से 0 निकला, लेकिन वहां से जाते तो लोग अपने को ऑब्जेक्ट कर सकते थे क्योंकि अपने रास्ता गलत चुन लिया था, ठीक है? ये रास्ते को फिर भी लोग सराहेंगे, हालांकि इसमें हमारे को थोड़ा और अच्छे से इसको बताना चाहिए था कि भाई तू पाई बाय 2 नहीं है, पाई बाय 2 माइनस एच है, और यहाँ पे मेरे को दिखा रहा था पाई बाय 2 प्लस एच है, लेकिन चलता है, ठीक है? इट्स ओके, ठीक है? हटो हटो, फिर भी एक बार और एक थोड़ा विचार करा देता हूँ आपको जबरदस्त वाला। अगर मैं पाई बाय 2 माइनस एच रखता हूँ, कितना पाई बाय 2 माइनस एच, तो आपको बताइए ये इन्फिनिट बनेगा, हाँ या ना? अच्छा जब मैं पाई बाय 2 प्लस एच रखूंगा तो आपको पता है वो क्या बनेगा, इन्फिनिट नहीं बनेगा, क्या बनेगा बताओ? वो माइनस इन्फिनिट बनेगा, नहीं है? लिमिट शायद आंसर अलग देगी, जबरदस्त वाला चेंज चेंज बन, नहीं आया समझ में ये? अरे पाई बाय 2 प्लस एच रखूंगा ना, जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो टेन पाई बाय 2 प्लस एच माइनस इन्फिनिट होता है। एनीवे एक बार चेक करना चाहेंगे कि क्या हमारा आंसर लास्ट तक सही जा रहा है या हम कुछ जल्दबाजी में आंसर बोल रहे हैं, तो पाई बाय 2 सही है। इंटीग्रेशन में चलते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाय रूट 2 इंटू में टेन इनवर्स टी बाय रूट 2, सोचना लिमिट कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिट, और उसी प्रकार से 1 बाय रूट 2, ठीक है? मैं माइनस ले रहा हूं, समझ में आ गया होगा आपको, और यहां पर हो जाएगा कितना टेन इनवर्स ब्रैकेट में टी अपॉन रूट 2, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से माइनस इन्फिनिट, सोच लिया? अब बात करते हैं पाई बाय 2 बार अभी भी, ठीक है? बहुत मस्त हो रहा है, ये रूट 2 कर दूं बार, रूट 2 भी बार है, अरे ये रूट 2 बार है, टेन इनवर्स में पहले इन्फिनिट रखा पाई बाय 2 माइनस 0, सोच लिया? आगे बढ़ता हूं, टेन इनवर्स में माइनस इन्फिनिट रखा, टेन इनवर्स में माइनस इन्फिनिट कहां मिलता है, टेन इनवर्स का ग्राफ आओ, टेन इनवर्स का ग्राफ देख लिया आपने, माइनस इन्फिनिट पे क्या मिलता है, पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2, कितना माइनस पाई बाय 2 माइनस 0, क्या घट रहा है या जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, ये तो बन गया पाई स्क्वायर बाई 2 रूट 2, इट इज नॉट 0, अब परफेक्ट आंसर बना, कुछ दिल को राहत मिली, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया, जबरदस्त क्वेश्चन निकला, बढ़िया क्वेश्चन बन गया, ठीक है? ऐसे ही मेंस में आपके सामने उतार चढ़ाव आएगा, क्वेश्चन में कभी लगेगा 0 है, फिर लगेगा यार मैं कुछ गलती तो नहीं करी, फर्स्ट राउंड में आप 0 करके आगे भग जाना, लेकिन टिक मार्क कर देना, गोला मार देना, OMR में मत लेना, सेकंड राउंड के अंदर जब आप वापस आओगे ना रिट्वीन में वापस, तब तक आपका दिमाग फ्रेश हो चुका होगा, तब तक आप बचाने के लिए तैयार होंगे, फिर आप सेफ गेम खेल सकते हो, समझ में आया? हाँ, डाउटफुल कंडीशन है, कंडीशन बहुत डाउटफुल थी, तीन तीन बार हाथ से फिसल गया,